ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा हम सभी की जन्म जन्म की थकान मिटाने आए हैं, जन्म जन्म भक्ति की इधर उधर भटके थक गए, कुछ मिला नहीं, दुख बढ़ता गया, माया ने त्राही त्राही मचा दी, संबंधों में कड़वाहट आ गई, मनोस्तंग होने लगा और सब थक गए। बाबा आए, याद दिलाया घर चलना है, तुम्हारे दुखों के दिन पूरे हुए बच्चे, अभी खेल पूरा हो रहा है, थको नहीं, मैं आया हूँ तुम्हारे पैर दबाने, थकान उतारने। बाबा के प्यार में सचमुच हमारी थकान उतर गई, उसके महावाक्य सुनकर, उससे मीठे वचन सुनकर, जब उसने कहा मीठे बच्चे थकान उतर गई, सबको ये अनुभव होना ही चाहिए, तो हम न थकें, न थकाएं दूसरों का व्यवहार, बार बार कटु वचन बोलना मनुष्य को थका देता है। जीवन में आने वाली समस्याएं एक के बाद एक, होने वाले नुकसान मनुष्य को थका देते हैं, लंबे काल तक चली हुई बीमारियां मनुष्य को थका देती हैं, और थकाता है क्रोध अभिमान और ये माया। हम सभी अपने को बहुत सरल चित्त करें और बड़े सहज भाव से उन सब चीजों को स्वीकार कर लिया करें जो जीवन में हो रहा है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है उसके बीज हमने ही बोए हैं। चाहे लाइफ स्टाइल में गलती की हो, चाहे सोचने में गलती की हो, चाहे दूसरों को कष्ट पहुंचाया हो, चाहे पाप कर्म बहुत कर लिए हो, ये पाप कर्म भी मनुष्य को भारी करने वाले हैं। पाप करते हुए मनुष्य सोचता नहीं, पर ये सचमुच भारी करते हैं, और जब मनुष्य भारी हो जाता है तो जीवन की यात्रा में थकान होने लगती है। तो एक तो स्वयं को बहुत हल्का करें, स्वीकार करें, जो कुछ हो गया, जो कुछ हो रहा है, ठीक है, अब हम बाबा की छत्र छाया में हैं, बहुत बड़ी चीज है, अपने पॉजिटिव पहलू को याद किया करें, इस नेगेटिव पहलू पर सदा ही ध्यान न चला जाए, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बाबा भी मदद क्यों नहीं करता, इस सब क्या क्यों के क्वेश्चंस में जाकर स्वयं को परेशान नहीं करना है। दूसरी बात, रोज सवेरे स्वयं को ईश्वरीय खुशी से भरपूर कर लें, ईश्वरीय सुख का अनुभव करें, एक बार अच्छी तरह बाबा से मिलन हो जाए, उसका हाथ सिर पर आ जाए, तो सारा दिन आनंद में व्यतीत होगा, मन हल्का हो जाएगा, ऐसा लगेगा बाबा ने सिर पर हाथ रखकर हल्के कर दिए, बोझ हर लिए हैं। खुशी की बातें याद रखें, चलो जीवन में कुछ भी हो रहा है लेकिन भगवान मिल गए, एक श्रेष्ठ मार्ग मिल गया, जीवन में लाइट आ गई, जीवन जीने का तरीका सीख लिया, एक सुंदर परिवार मिला, महान आत्माएं मिली जिनकी पूजा करते थे, वो सब मिल गए, एक साथ आ गए हैं, भगवान स्वयं सम्मुख बैठता है, उसकी दृष्टि मिलती है। इन सब बातों को याद करके स्वयं को बहुत प्रसन्न रखें और याद रखें, हमारे वचनों से, हमारे व्यवहार से, हमारे कर्मों से किसी के कदम भारी न हो जाए, कोई जीवन जीने का सुख न खो बैठे, अन्यथा ये बहुत बड़ा पाप मनुष्य को मार डालता है, बहुत बड़ी सजा मिलती है जो दूसरों को इस तरह कष्ट देते हैं उन्हें। तो आज सारा दिन
महसूस करेंगे बाबा का हाथ मेरे सिर पर है और याद करेंगे ये जीवन की यात्रा पूर्ण हुई, 5000 साल का खेल पूरा हुआ, एक दृष्टि डाल देंगे सतयुग में आए थे चलते चलते कलयुग एंड में आ गए, प्रभु मिलन हुआ, उसने हाथ सिर पे रखा और हम चले उसके साथ अपने धाम, दोनों जा रहे हैं उड़ते हुए, पहुंच गए अपने धाम, बाबा अपनी सीट पर, मैं अपनी सीट पर। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स, ओम शांति।